तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में डीजे अनुपम गोपालपुर में। आज हम आए हुए हैं बरहलगंज और ये है मुक्ति-पथ। तो यहाँ पे घूमेंगे आज हम और दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा पूरा। तो मज़ा आएगा काफ़ी, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का व्यू। और ये बाहर है हम, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर, गेट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसा है अभी। और यहाँ पे शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, क्या देखते हैं इसकी। तो चलिए वही दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो अंदर है हम लोग और यहाँ से बना हुआ है जाने वाला रास्ता टाइप का। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, घूम के भी दिखाएंगे पूरा अंदर जो भी है। तो बने रहिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे भी आप लोग घूमने आइए, सभी लोग आते हैं घूमने के लिए। हमारे एरिया के जो भी लोग हैं सभी लोग आए हुए हैं, तो फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो बाहर के व्यूवर्स हैं वो तो नहीं देख पाए हैं, उन लोगों को दिखाएँगे हम। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और वीडियोज़ पर कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए आगे का नज़ारा दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ऊपर शंकर भगवान का बना हुआ है मूर्ति और नीचे यहाँ पे गुफा टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। पूरा अंधेरा है पर दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे अंदर जाने के बाद पता चलेगा आप लोगों को। तो चलिए, तो कुछ तो दिखाई नहीं देगा, हम फ्लैश ऑन करते हैं। नहीं, दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ अंदर से हम लोग बाहर आ चुके हैं। Wow.
लग रहा है ये जगह, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह लगा हुआ है, पेड़ वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है यार यहाँ पे। और ये जो था यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह पाल रखे थे, और इस टाइम वो है नहीं। और यहाँ से आगे चलेंगे, ये तो मुक्ति पथ है, मुक्ति धाम पे चलेंगे, तो वो वीडियो अगला आएगा हमारा, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में। और देखिए यहाँ का नज़ारा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे आने का मतलब जो भी था ना हमारा मुक्ति, काफ़ी सक्सेस हुआ, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए और चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये एरिया, और यहाँ पे आप लोग आके मतलब टाइम पास कर सकते हैं। अरे यार मूंगफली उंगली सब खा के यहाँ पे देखे हुए हैं, तो ये काफ़ी बना हुआ है सर्कल टाइप का, और ये पूरा एरिया वहीं का है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे आइए घूमिए, और इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। तो आप लोग भी आइए और देखिए, बड़ा सा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सामने, अभी इसके अंदर चल के हम लोग दिखाते हैं पूरा, इसके अंदर पूरा, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं, अजय लेके चलेगा आप, थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है प्लेस अंदर बैठने के लिए, एरिया है और लगा हुआ है पोस्टर वगैरह, मूर्ति वगैरह लगा हुआ है, रखा हुआ है। चलिए इसका भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। एकदम मज़ा आ जाए, तो आइए यहाँ पे और घूमिए यहाँ का, तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए काफ़ी अच्छा प्लेस है, मतलब स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है यार यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। तो सामने वहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा वही दिखाते हैं आपको। काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आइए और थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं सामने का, वो भी देखिए। तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग आएगा ये, और इस ब्लॉग में बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, यहाँ पे सारा व्यू तो आपको दिखा दिया, चलेंगे मुक्ति पथ पे, मुक्ति धाम पे सर, वहाँ पे भी दिखाएंगे, तो हो सकता है वो आप आगे, अभी तो नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं घर अब, और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे भी आइए, बने रहिए हमारे वीडियो में, और ये वीडियो का वेट करिए, मुक्ति धाम दिखाएंगे आप लोगों को, इससे काफ़ी अच्छा प्लेस है वो, और वहाँ पे कुछ जानवर भी हैं, वो सब भी दिखाएंगे आप। तो चलिए चलते हैं, बाय।